नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पायर वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मंदसौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देश पर की गई। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और अनुविभागीय अधिकारी नरेंद्र सोलंकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि थाना पिपला मंडी के निरीक्षक विक्रम सिंह इवने के नेतृत्व में टीम ने रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका और हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को चेक किया, जिनसे 400 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी और 200 ग्राम अफीम बरामद हुई है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 38 वर्षीय इरफान और 36 वर्षीय प्रकाश शामिल है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने कुल 400 ग्राम एमडी और 200 ग्राम अफीम और आरोपियों की मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इनकी कुल कीमत लगभग 40,40,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में एक अन्य आरोपी मुन्ना लाल का नाम सामने आया है, जो कि फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सुनिए पुलिस ने और क्या कुछ कहा। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों को धरपकड़ के लिए निर्देशित किया जा रहा था, जिस पर से कल रात में करीबन हमने दो लोगों को मोटरसाइकिल से वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिनके कब्जे से 400 ग्राम एमडी ड्रग व 200 ग्राम अफीम हमने जब्त करी और विवेचना जारी है। सर, आदमी किस तरह से माल ले जा रहे थे, कहाँ छुपा रखी थी, कैसे शंका लगी सर? ये बाइक से हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक से दो व्यक्ति है जो अवैध मादक पदार्थ कहीं बेचने हेतु जा रहे हैं, तो दौरान तुरंत हम कार्रवाई करते हुए हमने चेकिंग लगाई और दोनों को पकड़ा। दोनों के कब्जे में से जेब में से ही निकला है। सर, कहाँ से लाना, क्या करते हैं? ये अभी विवेचना में पता चला कि राजस्थान डग है, वहाँ से किसी से लेके आए थे और नीमच राजस्थान साइड बेचने जा रहे थे। ये खबर हम और आप तक मंदसौर से हमारे संवाददाता रवि पोरवाल द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पायर वॉइस ऑफ इंडिया टीवी।